अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसे मैंने स्काफ के एक बॉर्डर पर बनाया है वन साइड पर, और कुछ इस तरीके के फ्लावर्स लगाए हैं। ये जो फ्लावर्स है वो मैंने लास्ट टू वीडियोस पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने स्कार्फ लिया है और इस पर मैंने ये थोड़ी सी डिज़ाइन स्टार्ट कर ली। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करनी है, तो मैं बैठ गई वीडियो बनाने। सो यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। और ये मैंने लिया है पतला कॉटन का धागा, शिमरी थ्रेड है ये। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर या फिर आपको ये अमेज़ॉन पर इजीली मिल जाएगा। लिंक सारी आपको परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मीडियम साइज़ की मैंने इसमें बीड्स डाली है, आप चाहें तो छोटी भी बीड्स डाल सकते हैं। अगर आप दुपट्टे वगैरह पर चारों तरफ लगाना चाहते हैं तो छोटी बीड्स भी अच्छी लगेंगी। और नीडल मैंने यहाँ पर ली है 0 नंबर 1.75 mm की, यहाँ पर सेवन नंबर 0.95 mm की। मैं लिंक का आपको परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले स्टार्ट में ये टू चेन अटैच लेते हुए पूरा बेस बना लिया है। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को सिखाया भी है, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल सके। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगी। सो यहाँ से अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऐसा समझो कि आप बस यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आपको पहले फर्स्ट गैप में नीडल डालनी है और अटैच कर लेना है। जैसे हम हमेशा लेस बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं ना, वैसे बस आपको अटैच कर लेना है। अब आप समझे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अटैच करने के बाद धागा थोड़ा सा खींच लो, एंड देन ये यहाँ पर आपको नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में से बाहर आना है। दोनों उंगलियों को धागे के गैप में रखना है, और जो पतला धागा है एक तरफ का सिंगल धागा, उसमें हमें फिर से अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब दोनों धागों में से हम बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा धागा लॉक और ये हमारी डिज़ाइन बन गई। ऐसे आपको बनाना है। अब आपको यहाँ पर मोती पास करना है। यहाँ पर एक मोती हम पास कर लेंगे इस तरीके से। नीडल के नीचे आपको मोती को ऐसे पकड़ लेना है। अब धागा लेकर जो नीडल में धागा है उसमें से हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मोती हमारी अटैच हो गई। अब मोती अटैच होने के बाद जितना धागा हमने पहले खींचकर बाहर निकाला था ना, बिल्कुल उतनी ही लेंथ हमें फिर से धागा खींचकर बाहर निकालना है, और जो सिंगल धागा है उस पर हम फिर से अटैच कर लेंगे। तो जो हमने नीचे साइड बनाया मोती लेने से पहले, सेम हमने फिर से ऊपर की तरफ भी बना लिया। अब यहाँ पर टू चेन अटैच वाले दो गैप हमें छोड़ने हैं, और थर्ड गैप में हमें अटैच कर लेना है। एक्चुअल में स्कार्फ का और धागे का कलर सेम हो गया है, इस वजह से नीचे जो हमने टू चेन अटैच लिए हैं वो आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन टू चेन अटैच फिर टू चेन अटैच, ऐसे हमने दो गैप बीच में छोड़े हैं, एंड देन थर्ड गैप में आपको अटैच करना है। इसी तरीके से हमने स्टार्ट से करते आए हैं। तो अब जब अटैच कर लो तब फिर से हम धागा खींचकर बाहर निकाल लेंगे और सेम डिज़ाइन कंटिन्यू फॉलो करेंगे जैसे हमने बनाया, बिल्कुल इसी तरीके से। सिंगल धागे में ये देखिए, सिंगल धागे में नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है, एंड देन दोनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है। ओके, सो अब हम मोती पास करेंगे। वैसे गाइस, आप सेम कलर में मोती ले सकते हैं, और ऐसे भी होता है कि एक मोती अलग कलर का, फिर नेक्स्ट गैप में अलग कलर का मोती, तो आप अपने हिसाब से स्कार्फ की डिज़ाइन को और थोड़ा अच्छा लुक दे सकते हैं। अब मोती अटैच होने के बाद फिर से धागा खींचकर बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर फिर से हमने अटैच कर लिया और ये भी लॉक हो गया। अब दो गैप हमें फिर से छोड़ देने हैं और थर्ड गैप में हमें अटैच कर लेना है इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। एक बार फिर से हम देख लेंगे, जहां आपने अटैच करके डिज़ाइन ख़त्म की वहीं से आगे की डिज़ाइन स्टार्ट होगी। धागा खींचते हुए बाहर लेना है, दोनों उंगलियों को धागों के बीच में रखना है पकड़कर, ताकि वो धागा मिक्स ना हो और आपको आगे की डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। जैसे ही आपने अटैच कर लिया फिर मोती पास करना है, एंड देन यहाँ पर मोती को अटैच कर लेना है। मोती अटैच करने के बाद जितना धागा आपने पहले खींचकर बाहर निकाला था बिल्कुल उतना ही आपको इस बार भी निकाल लेना है और फिर अटैच कर लेना है। ओके, सो अब फिर दो धागे हमें नीचे दो गैप छोड़ देने हैं, 1, 2, एंड थर्ड गैप में आपको अटैच कर लेना है इस तरीके से।
सो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रही है डिज़ाइन। एक बार फिर देख लें, पहले धागे में से धागा पास कर ले, अटैच कर ले, एंड देन मोती को आपको पास कर लेना है। फिर धागा खींचकर बाहर निकाल कर यहाँ पर एक अटैच कर ले। फिर दो गैप छोड़कर थर्ड गैप में अटैच करना है और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। जितनी आपको लेंथ बनानी है स्कार्फ पर, रुमाल पर, साड़ी की बॉर्डर पर, जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं ऐसे ही कंटिन्यू फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो ये इसका फाइनल लुक है जो मैंने स्टार्ट में भी बताया। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपनी दुआओं में।